अब अपल और राउंड हाउस किक को दोनों को कॉम्बिनेशन से मारेंगे हम किक, ठीक है। पहले अपल किक आएगी, उसके बाद एक स्टेप बैक लोगे तुम तो वो दूसरा स्टेप आगे लेकर आके किक मारेगा, ठीक है। अगर तुम ऐसे किक दोगे लाइक 1 2 तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा खुद ही। हमें क्या करना है, फर्स्ट किक होगी यहाँ रख के वो एक जगह किक मारेगा, दूसरी किक के लिए वो आगे लेकर आएगा बॉडी को। तो अगर तुम्हारे पार्टनर की बॉडी आगे आ रही है तो तुम्हें अपनी बॉडी को बैक स्टेप करना है, तभी स्पेस मिलेगा ना। वरना अगर वो आगे आया, आगे लेकर आ, एक किक मार और आगे लेकर आ, ये देखो स्पेस नहीं मिलेगा उसको, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सेम रेंज मेंटेन करने के लिए एक एक दिस एंड दिस, क्लियर। 1 दिस दिस 2 हाँ 3 क्लियर। 10 राइट 10 लेफ्ट। और अपने टारगेट को मूवेबल रखना है, अच्छे से रिस्ट को मूव कराना है, यानी कि एक बिल्कुल एक जगह रख रखा है दोनों के लिए। इस साइड से किक आ रही है तो इधर टारगेट, उधर से राइट से आ रही किक तो राइट साइड टारगेट। बहुत बढ़िया बात, वेरी गुड तौहीद, वेरी गुड। 1 2 उसको देख रेहान, रेहान उसको देख ठीक से, देख ठीक से उसको, कितना पीछे जा रहा है वो, बहुत स्लो है तू, बहुत स्लो। दोनों किक के लिए एक सेम हाइट पर रखो टारगेट को, नीचे नहीं लाना। पीछे जाके इतना आराम से, बहुत जल्दी जल्दी दोगे ना तो उसको वो कभी स्टेपिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। फिर थोड़ी देर स्टेपिंग करवाते हैं देन किक, स्टेपिंग का टाइम दे तो ही, स्टेपिंग का टाइम दे। थोड़ा और पीछे हो दूसरी किक के लिए, सेकंड किक को थोड़ा और खींचो, फर्स्ट किक उसकी रेंज में रख, फर्स्ट किक को रेंज में रख उसके, ये हाँ अब आई ना सही, बहुत बढ़िया।